गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स में हमने अरिथमेटिक एंड रिलेशन पढ़ लिया था, आज लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज टू कंबाइन, इसको मिटा देते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या इस्तेमाल होता है? यूज टू कंबाइन टू और मोर एक्सप्रेशंस, ठीक है। यूज टू कंबाइन जैसे लॉजिकल एंड का मतलब लॉजिकल और, ठीक है। फिर लॉजिकल नॉट, ठीक है। यूज टू कंबाइन टू और मोर एक्सप्रेशंस, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। इसका क्या मतलब होता है लॉजिकल एंड का? सपोज करते हैं दिस इज एक्सप्रेशन वन, दिस इज एक्सप्रेशन टू, यहां पे अगर एंड लगाएंगे तो क्या आएगा? एक्सप्रेशन वन ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अगर हम लॉजिकल एंड लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, वेट एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन टू बोथ आर ट्रू, तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। इसमें क्या है, एक ट्रू है और एक फॉल्स, तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स, क्योंकि सिर्फ दो ही में ट्रू है। अगर हम एक्स और का इस्तेमाल करेंगे, और का, इसमें क्या आउटपुट आएगा? एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन टू पे हमने और लगाया तो क्या आएगा? इसमें क्या होता है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू है एक्सप्रेशन वन या एक्सप्रेशन टू में से, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? ट्रू। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन वन इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, नो मैटर, एटलीस्ट वन शुड बी ट्रू। एक्सप्रेशन वन इज ट्रू, एक्सप्रेशन टू इज फॉल्स, तो आउटपुट विल बी ट्रू। एक्सप्रेशन वन इज फॉल्स बट द एक्सप्रेशन टू इज ट्रू, तो आउटपुट विल बी ट्रू। बट इन द लास्ट केस एक्सप्रेशन वन इज फॉल्स, एक्सप्रेशन टू इज ऑल्सो फॉल्स, सो आउटपुट विल बी फॉल्स, ठीक है। अब ये जो लॉजिकल नॉट है, ये लॉजिकल नॉट जो होता है, ये एक एक्सप्रेशन पे परफॉर्म किया जाता है। एक एक्सप्रेशन का मतलब इस पे, इसमें आउटपुट क्या आता है? जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट का मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। सपोज करते हैं ये एक्सप्रेशन आपका वन है, ट्रू और फॉल्स। अगर आपने इस पे लॉजिकल लगाया तो क्या आएगा? ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, सिंपल, ठीक है। दिस इज लॉजिकल एंड और एंड लॉजिकल नॉट। अब मैं आपको इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझा देता हूं, ठीक है। प्रोग्राम के थ्रू में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मेन से आपको स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। इसके ऊपर भी लिखा जाएगा हेड ऑफ फाइल्स, वो आपको बताया जाएगा। आईएनटी ए वैल्यू असाइन कर देते हैं, ए इज 10, बी इज 20, ठीक है। आईएनटी क्या आपको बताया गया था, इंटीजर डेटा टाइप। ए इज वेरिएबल, बी इज वेरिएबल, ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20 है। अब सपोज करते हैं हमने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा, ठीक है। फिर लिखा ए ग्रेटर देन बी एंड एंड ए इज लेस देन सी, ए इज लेस देन सी, ठीक है। जहां पे एक सी वेरिएबल को डिसाइड कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू 30 दे देते हैं, क्लियर। अब देखिए ये लिखा हमने, और दूसरा हम लिख देते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन सी, ठीक है। ये आपका अब आउटपुट क्या आएगा,
आउटपुट क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी है 10, यहां पे आएंगे ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है, एंड ए की वैल्यू कितनी है 10, सी की वैल्यू कितनी है 30, 10 20 से बड़ा है क्या, ये बड़ा नहीं है, दिस एक्सप्रेशन इज फॉल्स, एंड 10 क्या 30 बड़ा है 10 से, ट्रू, ठीक है। और हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा था, एंड में यहां भी ट्री होगा यहां भी टी होगा तभी आउटपुट टी आएगा, तो आउटपुट क्या आएगा फॉल्स, ठीक है। फॉल्स का मतलब इंडिकेशन क्या होता है, सी में जीरो, कंप्यूटर जब में फॉल्स नहीं देगा जीरो देगा, जीरो और वन में, तो आउटपुट इस केस में क्या आउटपुट आएगा जीरो, इस केस में क्या आउटपुट आएगा 10 इज ग्रेटर देन 20 और 10 इज लेस देन 30, ये आपका फॉल्स है, ये आपका ट्रू है। और के केस में क्या होता है, एक भी अगर ट्रू होगा तो आउटपुट क्या आएगा ट्रू, दैट इज आउटपुट क्या आएगा 1, क्लियर, ठीक है। दिस इज लॉजिकल ऑपरेटर। नाउ वी विल डिस्कस इंक्रीमेंट एंड